पासा पासा पढ़ने के लिए ये नहीं सोचना है कि पासा के बारे में ये नहीं बताऊंगा पासा कितने फलक होते हैं, कितने कोर होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, ये आप सब पहले से जानते हैं। हम लोग डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। पासा दो प्रकार का होता है, एक होता है मानक पासा, दूसरा होता है सामान्य पासा। ठीक, मानक पासा किसे कहते हैं ये आप लोग जानते रहिएगा। पासा के छह फलक होते हैं, कितने फलक? छह फलक होते हैं, और किसी भी फलक के उसके चार समीपवर्ती फलक होते हैं और एक उसका विपरीत फलक होता है। इस प्रकार मिलाकर एक पासे में कुल छह फलक होते हैं। अगर यही पासा ले लिए, इस पासे के चार समीपवर्ती फलक होगा, एक दो तीन चार, और एक क्या होगा? विपरीत फलक, जो ठीक इसके पीछे होगा। ठीक, अब विपरीत फलक कभी सामने दिखाई नहीं देता, जो भी विपरीत फलक होता है वो सदैव क्या होता है? छिपा रहता है। अब कुछ लोग कांच में रख देंगे, नीचे कांच ला के देख लेंगे, तो ये मामला नहीं है। कहने मतलब कि एक फलक जो विपरीत फलक होता है सदैव, अब ऐसे कोई कह दे कि सर ऐसे नीचे कांच रख ले और ऐसे देख ले, ऊपर नीचे दोनों देख लेंगे हम, ठीक, लेकिन ये इसका ये सैद्धांतिक मतलब नहीं हुआ। एक फलक सदैव छिपा रहता है। आपको जानना क्या है, किसी भी पासे के चार समीपवर्ती फलक होता है, एक फलक उसके विपरीत होता है। पासे को चाहे जैसे घुमा दीजिए, ऐसे घुमाइए, ऐसे चारों फलक उसके समीपवर्ती दिख जाएंगे, किंतु विपरीत फलक कभी सामने नहीं दिखेगा। इसका मतलब विपरीत फलक क्या होता है? कभी भी समीपवर्ती सतह नहीं हो सकता। अब आते हैं मानक पासा पे। मानक पासा किसे कहते हैं? मानक पासा, जैसे कोई पासा दिया गया, यही पासा है। ये मान लीजिए पासा है, यह पासा का इसे जब भी परीक्षा प्रश्न आएगा तीन फलक आपको दिखाई देगा। जब किसी भी पासे के समीपवर्ती सतहों का योग सात न हो, मतलब यहां पर तीन फलक दिख रही है, इसी तीन फलकों में से किन्हीं दो का योग, जैसे मैंने क्या क्या लिखा है, इसमें लिखा मैंने छह, इससे मैंने लिखा है दो, इससे मैंने लिखा है चार। अब किन्हीं दो सतहों का योग यदि सात नहीं होता, किन्हीं दो फलकों का योग सात नहीं होता, तब उस कंडीशन में क्या होगा? उनके विपरीत सतहों का योग सदैव सात होता है। ऐसे पासा को हम मानक पासा कहते हैं। जैसे अगर पूछ दिया इसमें चार का विपरीत तीन, क्योंकि इनका योग क्या होना चाहिए? सदैव सात होगा। एक का विपरीत छह और दो का विपरीत पांच, तो इसमें आप आसानी से निकाल सकते हैं कि संख्या का विपरीत सतह पर क्या होगा, क्योंकि जो उनका विपरीत सतह होता है उन दोनों का योग सदैव सात होता है। समझ आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? माने दिए गए पासे में यदि समीपवर्ती सतहों का योग सात नहीं होता तो उनके विपरीत सतहों का योग सात होता है। ऐसे पासा को हम क्या कहते हैं? मानक पासा कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक पासा कहते हैं। समझ में आया? कोई डाउट? आगे बढ़े। चलिए अब आते हैं सामान्य पासा। पहचान गए ना आप लोग? निकल देखिए, चार दो छह, चार दो छह, छह चार दस, माने ऐसे पासा जिनके समीपवर्ती सतहों का योग सात ना हो, विपरीत सतहों का योग सात हो, ऐसे पासे को हम क्या कहते हैं? मानक पासा। इस प्रकार का पासा आएगा, आप आसानी से बता देंगे इसका विपरीत क्या होगा। ठीक, अब आते हैं सामान्य पासा। अब जो पिछली बार पढ़े हैं उनको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा ना, क्योंकि इस बार थोड़ा शॉर्टकट है। जी आगे देखते हैं। अब देखिए एक और पासा आपके सामने, मैंने इसके तीन फलक दिखाई दे रहे हैं, दो पांच एक। जब किसी भी पासा के समीपवर्ती सतहों का योग सात हो तो उनके विपरीत सतहों का योग कभी सात नहीं हो सकता। ऐसे पासा को हम सामान्य पासा कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य पासा कहते हैं। देख लीजिए, ये पांच है, दो है, और ये माने ऐसा पासा जिसके समीपवर्ती सतहों का योग सात होगा, उसके विपरीत सतहों का योग सात कभी नहीं हो सकता। ठीक, अब पांच के विपरीत न दो होगा न एक होगा, ये भी जान लीजिएगा, क्योंकि जो समीपवर्ती सतह होते हैं कभी विपरीत भी नहीं हो सकते। इसके विपरीत क्या हो जाएगा? चार तीन छः, तो उसमें से कोई एक। अब मान लेता विकल्प क्या है आपका, दो के विपरीत क्या क्या नहीं हो सकता? पांच नहीं हो सकता, एक भी नहीं हो सकता,
ठीक, एक के विपरीत क्या, एक के विपरीत देखिए क्या, दो भी नहीं सकता, पांच भी नहीं सकता और छह भी नहीं हो सकता। अगर पूछ दिया एक के विपरीत सतह पर क्या क्या होगा, तो एक के विपरीत सतह पर न दो होगा न पांच होगा, ठीक, और न छह होगा, बचा क्या, या तो तीन हो सकता है या तो चार, तो विकल्प ऐसे देगा, नहीं दिखा, लेकिन उसका योग सात हो रहा है, उसका विपरीत योग सात होगा, तो सात नहीं होना है, इसलिए एक का विपरीत छह भी नहीं हो सकता, तो या तो तीन या तो चार, अलग ऐसे देगा, एक और दो तीन चार ऐसे देता विकल्प में, दो ऑप्शन मिला के देता, देखिए अब दिया भी होगा, ठीक, ये समझ में आ गया, मानक पासा और सामान्य पासा, ठीक। यह पासे का प्रयोग तब करते हैं जब केवल अकेला पासा दिया हो या कई पासे एक साथ दिए गए हो। अभी समझ में आ गया। अब आते हैं जो परीक्षा में प्रश्न पूछता है सीधा सीधा, देख लीजिएगा, यहां हम दो पासा बना रहे हैं, सही बन रहा है कि नहीं, काम चलाओ बन रहा है, चलिए ठीक ठाक है, जहां पेड़ नहीं वहां ऋण है महापुरुष, कितना कितना लिखे बताएं, कोई बताएं आप, तीन पांच चार, अगर इस तरह का पासा दे दिया और पूछ दिया, देखिए मैंने क्या क्या लिखा है, जैसे उन्होंने कहा तीन पांच चार तीन छः चार, और अगर पूछ दिया इसमें पांच के विपरीत फलक पर क्या है, पांच के विपरीत फलक पर क्या है, तो ऐसे में पहले हम मानक और समान का नहीं है फॉलो, इसमें हम देख रहे हैं दो सतह आपस में बराबर या समान है, देखिए कौन कौन, यहां तीन चार यहां तीन चार, जब किसी भी दो पासे में दो फलक आपस में समान या बराबर हो तो जो अगला फलक होता है वह एक दूसरे के विपरीत होता है, तो छह के विपरीत पांच ये तुरंत लग जाता है, और परीक्षा में यही प्रश्न पूछता है, सब घुमाते टहलाते रहते हैं, समझे नहीं आता, करे क्या, याद रखिएगा जब किसी भी पासे के दो फलक आमने सामने के आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा बचा हुआ फलक एक दूसरे के सदैव विपरीत होता है। जैसे भी आगे एक दो क्वेश्चन मिलेगा, अब यही फलक है, ये फलक है, एक इधर हो गया एक इधर हुआ, ध्यान दीजिएगा यही फलक है, ये फलक सामने हो गया, एक इसका एक इसका, दो बार समीपवर्ती दिखाया, एक बार इसका इधर इसका समीपवर्ती दिखाया, तो अब बचे हुआ क्या होगा, इसका विपरीत, याद रखिएगा सदैव ऐसा, जब किसी भी दिए गए दो पासे के फलक आमने सामने के बराबर हो तो बचा हुआ फलक सदैव एक दूसरे के विपरीत होता है, चाहे उसमें चिन्ह बना के देगा, चाहे अंक लिखेगा, चाहे नंबरिंग करेगा, चाहे डिजिट बनाएगा, चाहे जो करेगा वो, ठीक। आगे बढ़े, ये समझ में आ गया, कभी गलती होगी नहीं, होनी चाहिए, कलर देखे पूछता कभी कोई, कलर हप्पी नाला बजे कलर दे देगा, पूछेगा इस कलर के विपरीत कौन है, ठीक, अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा, किस कलर शुरू करें, लाल से, चलिए लाल पीला नीला नीला काला पीला, अब लाल का विपरीत, ठीक, ये देखिए ये कट गया एक दूसरे के, उन दोनों का विपरीत नहीं कर सकते, नहीं नहीं ये इसका ही रूल है केवल, ठीक है, समझ में आया, चलिए अब ये हो गया, अब और आते हैं आगे, अब आता है पासे को तोड़ना, यदि ये फल अगर आपको समझ में आ गया तो पासे को तोड़ना बेहद आसान है, आसानी से आप पासा को तोड़ सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करना है, कुछ चीजें ध्यान में देने योग्य है, ऐसा कब करते हैं, कोई नंबरिंग बोला शुरू करिए है?
बताइए आप लोग। हाँ, एक तीन पांच और छः चार एक। चलिए, जो आपने कह दिया उसी में बना देंगे। ठीक, अब तो समझ में आ रहा क्या क्या लिखे है ना, एक तीन पांच छः चार। अब जब दो पासों में कोई एक कॉमन हो जो दोनों में दिखाई दे, जैसे मैं यहां पे दिखाई दे रहा एक, यहां पे दिखाई दे रहा एक, जब किसी दिए गए दो पासों में कोई दो फलक आपस में कॉमन हो तो फलक को कैसे तोड़ते। और कभी अगर कॉमन दिखाई दे और आपको नंबर न मिल रहा हो तो क्या करते हैं, एक तीन पांच सात नौ ग्यारह या दो चार छ आठ दस बारह। कभी कभी आपको विषम संख्या दिखा देते हैं तो सोचते हैं यार अगले फलक पर क्या आएगा, तो अगले फलक पे सम संख्या या विषम संख्या का नियम काम करता। कैसे, जैसे एक तीन पांच सात नौ ग्यारह दो चार छ आठ दस बारह, छह छह फलक होने चाहिए। लेकिन हम आप कौन से यूज करते हैं, हमेशा एक दो तीन चार पांच छह। जरूरी नहीं है सदैव यही यूज करें परीक्षा में, याद रखिएगा हमेशा ये बात कि हमेशा हम लोग एक दो तीन चार पांच छह यूज करते हैं, लेकिन परीक्षा का क्वेश्चन टफ करने के लिए कुछ नहीं करते, वह एक तीन पांच सात नौ ग्यारह यूज करते हैं। छह फलक रहेंगे लेकिन अंक ये रहेंगे। अब इसमें कोई अंक गायब कर दिया, समझ ही नहीं पाते कि यार ये तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं है, तो उस कंडीशन में इसका मतलब वो विषम संख्या यूज किए हैं, और जब ये सब नंबर आए बारह और तक आए इसका मतलब वो सम संख्या यूज किए। छह फलक यूज करेंगे। अच्छा, ये कभी कभी बिजोर को यूज करते हैं, ये बड़े परीक्षाओं के लिए सिविल में जो सीसेट होता है वहां ये सब यूज करते हैं, बिजोर को यूज कर लेंगे। बिजोर दिखा रहे, बना क्वेश्चन दे रहे, अभी क्वेश्चन करा देंगे। अब सीख लेते हैं पासे को तोड़ना। जैसे ये पासे को तोड़ना जान जाएंगे आप परीक्षा में प्रश्न आसानी से हल कर लेंगे। अगर इसे पूछ दे कि एक का विपरीत क्या होगा, एक का विपरीत, तो पहले सामान्य नियम जान लीजिए। सामान्य नियम ये जान लीजिए, एक का विपरीत न छ हो सकता है न चार। क्या हो सकता है, न छह न चार। क्यों, समीपवर्ती सतह कभी विपरीत हो ही नहीं सकता। एक का विपरीत न पांच हो सकता है न तीन, न तीन हुआ न पांच हुआ न छह हुआ न चार, बचा क्या, तो एक का विपरीत क्या होगा, यह बिना सॉल्व करे हम लगा सकते हैं। दूसरी विधि, अब पासे को तोड़ेंगे, तोड़ने के लिए एक ऊपर रखेंगे, एक यू, क्यों, ये कॉमन, ये ऊपर का सीट कॉमन, एक क्या रखेंगे कॉमन। उसके तो चार फलक होते हैं, समीपवर्ती फलक होते हैं। क्या होते हैं, समीपवर्ती, तो उसके समीपवर्ती सतह हो गए और इसके सदैव विपरीत सतह हो गए, विपरीत को मैंने यहां बना दिया। अब पासा खोले कि यह खोले या यह, तो पहला काम जो कॉमन हमने माना उसको लिख दें, कॉमन क्या है। अब पासे को घुमाइए घड़ी के दिशा में, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त या वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जिस हिसाब से घुमाएंगे दोनों पासा उधर ही दिशा में घूमेगा, ऐसा नहीं है एक को दाएं और एक को, मतलब एक को दक्षिणावर्त एक को वामावर्त, एक को वामावर्त एक को दक्षिणावर्त, जिसको घुमाइए दोनों को सेम डायरेक्शन घुमाइए। तो पहले बताइए किस दिशा में कौन सा पासा घुमाए, क्लॉकवाइज पहले पासा घुमाए दूसरा घुमाए, दूसरा घुमाए, यहां से घड़ी कैसे चलती है भैया, यहां बच गई सात, सात के बाद बजाएगी ग्यारह, भाई आठ नौ दस ग्यारह इस दिशा में जाएगी इधर, माने एक कॉमन ले लिए, अब क्या आएगा, फिर क्या आएगा, इधर भी आते हैं, घड़ी चलेगी अब तीन के बाद, क्या नहीं दिख रहा है, दिख गया, देखिए एक का विपरीत दो, छह का विपरीत तीन, चार का विपरीत पांच, एक छोड़ के छह का तीन चार का पांच एक का दो निकल गया। कहां, एक से घुमाना शुरू किए, एक से, एक कॉमन, जो कॉमन लेंगे वहीं से घुमाएंगे, अब दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। ठीक, अब घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, कॉमन एक घुमाना, कॉमन यहां ले लेते हैं, यहां जहां जहां रखिए यहां रख दिया हमने कॉमन एक, अब घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, अब किस पास से कुछ हुए, पहला पाता, चलिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो घड़ी पहले पांच फिर पांच फिर तीन, यहां भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यहां छह और छह और यहां क्या नहीं दिख रहा है भाई, वो बता रहे थे हमने लिखते चले गए। अच्छा, एक है घड़ी छह चार घड़ी चलती है लेकिन चलती है चार और, तो हम लिखेंगे चार और
जैसे बता हम लिखते चले गए ठीक, ये दो दिखने दो लिख दिए, एक का विपरीत, पांच का विपरीत, तीन का विपरीत, सेम है। अच्छा क्लॉकवाइज घुमाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, चाहे पहला पकड़े चाहे दूसरा, यह जिसको पता उसको पासा खत्म, यही सबसे मेन तरीका होता है। और ये तरीका और ये वाला कि ये है नहीं तो ये उसका विपरीत हुआ भाई, जो उसके समीपवर्ती है वो कभी विपरीत हो ही नहीं सकते, बचा हुआ फलक विपरीत होता है। इसी आधार पे आप सारा कर सकते हैं आराम से, बस ये तरीका लगा दिया, इसका हो नहीं सकता ये हो नहीं सकता ये हुआ, इसको एक बार और चलिए दूसरा नंबर लेके बता देते हैं। हाँ बता देते हैं, संस्कृत सर आ गए ना, ये पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर पुनः आते हैं पार्ट टू, पासा भाग दो लेकर, ठीक पासा भाग दो। चलिए अब आप कोई नंबर बोलिए वो लिख दें, आप ही सॉल्व कराएं। जैसे इन्होंने कहा क्वेश्चन एक हम लिख रहे हैं, चलिए आप सॉल्व करिए। मैंने क्या लिखा, चार दस आठ छ दो चार, अब तो जानते थे लूडो को तो छक्का होता, छक्का ही होता है ना, पासा छक्का, वो चार छह तक ही होता है, इसमें नंबर तो बारह तक दिख, दस तक दिख, दस तक दिख रहा है, इसमें क्या होगा? हाँ हाँ इसमें सम संख्या छह पलक है, दो चार छ आठ दस और बारह, ठीक इसको तोड़िए, सेम प्रोसेस है, हमको यही सिखाना था। जो गौरव जी पूछे कैसे पता चलेगा, अब पता चल गया ना। हाँ बना दे, अरे का भगवान, चलिए कौन सा कान पकड़े पहले, इधर वाला कि इधर वाला, चार कॉमन, पहले चार कॉमन है, चार दोनों में है, चार को मैंने कॉमन ले लिया, बनवा ली चार कॉमन ले लिया, अब क्या करें बताइए, क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज, गणित हिसाब में ना, ठीक है गणित हिसाब घुमाएंगे, चार के बाद आठ के बाद, इसमें भी गणित हिसाब में दो और क्या नहीं दिख रहा है, बारह कि दो चार छह आठ दस में चलेगा, समझ लिया आप लोग। अब चार के विपरीत बारह, आठ का विपरीत दो, दस का विपरीत, इधर आ जाए एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे। सामने मैंने विपरीत, मतलब विपरीत, हाँ अब इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने कौन सा फलक है, इसके सामने विपरीत, हाँ जैसे इसके सामने कौन सा होगा, ये हम आपके क्या सामने है और आपके विपरीत दिशा में है, मेरा हाथ आपका हाथ विपरीत दिशा में, अभी एक एंटी क्लॉकवाइज तोड़ते हैं, कॉमन ले लिया, हाँ छुपा रहता है पीछे जो रहता है, इसमें कॉमन क्या है, चार, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, चार जो पासा पकड़े, कोई मतलब ये नहीं है, लेकिन हाँ हो चुका ना, बस इसके बाद पार्ट टू लेकर आएंगे ना, भाग दो पासा भाग दो। हाँ ये हो गया ना, ये हो गया ना, क्लॉकवाइज घुमाए एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, आप एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ये आप जानते रहे क्या, जिससे यूज करिए, अच्छा ठीक क्लॉकवाइज घुमाइए, ठीक तो ये आपका कंप्लीट होगा, पढ़ लीजिएगा ठीक, अगर कोई समस्या आती है यही मेन है, इसके बाद आप आसानी कर लेंगे, इसके बाद जस्ट बाद